तैयार हो। और आईसीसी को पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कामयाबी हजम न हुई। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर पर पाबंदी लगा दी। हमेशा से ही ऐसा चला रहा है कि कभी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी कामयाबी की राह पर चल पड़ता है तो भारत और आईसीसी को तकलीफ हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तानी बॉलर नसीम शाह पर क्यों पाबंदी लगाई और उनकी सजा क्या है, ये सब जानने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई नई अपडेट्स आपको आसानी मिलती रहे। आईसीसी नसीम शाह की कामयाबी हजम न कर सकी, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर पर पाबंदी लगा दी। उन पर पाबंदी इसलिए लगाई कि उन्होंने अंपायर की जानब से आउट दिए जाने से कबल ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। मामला कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इन पर मैच फीस के 20-30% से महरूम कर दिया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट मैच के मर्दे मैदान नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह को सजा दिए जाने का इम्कान है। आईसीसी ने दावा किया है कि उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने की वजह से सजा दी जाएगी। याद रखें, नसीम शाह ने टेस्ट मैच के लिए तीसरे रोज की हैट्रिक मुकम्मल की थी। नसीम शाह की जानब से मुसलसल दूसरी गेंद पर बांग्लादेशी बल्लेबाज को आउट किया गया था तो फास्ट बॉलर ने अंपायर से अपील किए बिना ही विकेट लेने का जश्न मना लिया था। बताया गया है कि किसी भी बॉलर के लिए लाजम है कि LBW आउट के लिए अंपायर से अपील करे, फिर बॉलर अंपायर से फैसले का इंतजार करे। ताहम नसीम शाह ने ऐसा नहीं किया, इसलिए नसीम शाह बाकायदा वार्निंग के बाद मैच फीस के 20-30% से महरूम हो गए हैं। याद रखे, कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह क्रिकेट की 143 साल तारीख में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम करने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान की जानब से नसीम शाह ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए हैट्रिक मुकम्मल की। नसीम शाह को हैट्रिक करने पर मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। नसीम शाह ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले दुनिया के कम तरीन उम्र बॉलर होने का एजाज अपने नाम कर लिया है। मजीद वीडियोस और अपडेट से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद घंटी के निशान को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।